सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, सब प्रकार के बाधाओं से निवृत्त करने वाली, धन धान्य सुतान्वित धन धान्य और संतान से युक्त करने वाली, मनुष्यो मत प्रसादेन मनुष्य मेरे प्रसाद के द्वारा अर्थात मेरे आशीर्वाद के द्वारा, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, सब प्रकार के सुखों से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूँ आपके साथ आशा झा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है कार्यक्रम में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, आपके हर एक समस्या का समाधान लेकर। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर भक्त को उतारने आ रही है माँ विंध्यवासिनी नवरात्रि स्पेशल कालचक्र जय माता दी। जी, हमारा विशेष अंक आज का बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी की पूजा, माँ विंध्यवासिनी का मंत्र, माँ विंध्यवासिनी चालीसा और माता विंध्यवासिनी की आरती कैसे आपका कल्याण करा सकती है, क्योंकि पंडित जी की भी आराध्य देवी हैं। तो ऐसे में आज का विशेष अंक माँ विंध्यवासिनी पर, और आपको सुखी संपन्न और धनवान कैसे बना सकती है माँ विंध्यवासिनी। अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर अब खुल चुका है, नोट कर लीजिए 01206652411। तो चलिए, आज क्योंकि हम माँ विंध्यवासिनी की बात करने वाले हैं, उनकी आराधना कार्यक्रम के माध्यम से करने वाले हैं, तो सबसे पहले पंडित जी दर्शकों को तो यही बताइए कि कौन है माँ विंध्यवासिनी। इतनी जो आपकी अगाढ़ श्रद्धा, उनके लिए प्रेम है, वो किस नाते आप विंध्यांचल के हैं, इसलिए भी नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप के घर में जो पैदा हुई और भगवान कृष्ण के बदले जो कंस के हाथों आई, और वो देवी कंस के हाथों से छूट करके विंध्या चल गई। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। मार्कंडे पुराण यही कहता है, वही विंध्याचल निवासिनी है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि द्वापर में माँ विंध्यवासिनी की स्थापना हुई। माँ विंध्यवासिनी इसके पहले से भी विंध्याचल में निवास करती हैं। इसकी कथा मिलती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। देवी भागवत महापुराण का जब महात्म्य पढ़ेंगे तो उसमें जब छह बच्चों को वसुदेव के कंस ने मार दिया, तो वसुदेव ने व्यथित होकर के अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य से निवेदन किया कि आप मेरे आठवें संतान और सातवें संतान की रक्षा के लिए आप मेरे लिए कुछ करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जाकर के विंध्याचल पर्वत पर देवी भागवत का पारायण करने लगे, और जब देवी भागवत का पारायण उन्होंने 9 दिनों तक किया तो आकाशवाणी हुई कि हे गर्ग, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं योग माया नंद गोप के घर जन्म लूंगी और परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के संतान के रूप में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे उनका प्रकट उत्सव होगा, और मुझे कृष्ण की जगह, कृष्ण को मेरी जगह पहुंचा दिया जाएगा, और उसके बाद मैं वहां से अंतर ध्यान होकर के पुनः विंध्यवासिनी में आकर के प्रतिष्ठित हो जाऊंगी। ये है माँ विंध्यवासिनी, जो भगवान कृष्ण के बदले कंस के हाथ आई। तो जब इस सृष्टि का संपूर्ण लय हो जाता है तो देवी भागवत कहता है केवल बचता है मणिपुर द्वीप, और उस मणिपुर द्वीप में बसती हैं माँ जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी। और मणिपुर द्वीप की ये खासियत है कि
कि उसकी परिधि में आने वाले चाहे देव, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व जो भी आए वो सब कन्या रूप धारण कर लेते हैं। ये मणिपुर द्वीप की महानता है, वहाँ तुरंत कन्या रूप में आ जाते हैं। एक बार इसी तरह से सृष्टि पर ब्रह्मा विष्णु विचरते विचरते जब मणिपुर द्वीप को देखो, देखी देवी भागवत की कथा है जी जी। तो वो लोग जा करके मणिपुर द्वीप में मतलब कि प्रवेश कर गए और प्रवेश करते ही तीनों खोड़सी सुंदरियों के रूप में परिवर्तित हो गए और बहुत दिनों तक माता की सेवा में ये लोग लगे रहे। माता ने सोचा कि इन लोगों को मैंने सृष्टि के लिए नियुक्त किया है और ये लोग यहाँ आकर के कुमारी बन करके सेवा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो माता ने उस दिन श्री हरि विष्णु को अपने दाहिने पैर की सेवा करने के लिए कहा। दाहिने पैर की सेवा करते समय भगवान विष्णु को माँ के दाहिने पैर के अंगूठे में सृष्टि का पूरा चक्र दिखाई दिया। तब भगवान विष्णु ने समझा कि हम किस लिए आए हैं और तब ब्रह्मदेव और शिव को लेकर के जब मणिपुर द्वीप से निकले तो वो लोग पुनः अपने अपने स्वरूप में आ गए और जब अपने अपने स्वरूप में आ गए तो वहीं से सृष्टि की रचना आरंभ हो गई और वहीं से सृष्टि का इतिहास भूगोल शुरू हो गया। तो माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति हैं। वैसे तो जान लो देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ जहाँ माता सती के शरीर का अंग गिरा था वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बना, लेकिन विंध्याचल पर्वत पर बना माँ विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ एक ऐसा स्थान है जिसे माँ ने अपने जन्म के बाद खुद चुना। जो कहानी मैंने आपको जो कथा बताई, आदिशक्ति देवी अगर पूरी सृष्टि में कहीं पूर्ण रूप से विराजमान हैं तो वो हैं विंध्याचल में। विंध्याचल में भक्तों के देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। देश के बाकी शक्तिपीठों में सिर्फ देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक के रूप में पूजा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पहले भी रहा है और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेगा। विंध्याचल ऐसा सिद्धपीठ है जहां माँ विंध्यवासिनी अपनी 10 अन्य शक्तियों के साथ विद्यमान रहती हैं, जिसे 10 महाविद्या का प्रधान केंद्र भी माना जाता है। माँ विंध्यवासिनी का पूजन वैदिक रीति से होता है, जबकि इन 10 महाशक्तियों का पूजन वाम मार्गीय तांत्रिक पद्धति से होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी माँ विंध्यवासिनी की उपासना करते हैं। विंध्यवासिनी माँ को विंध्याचल पर्वत का संरक्षक माना जाता है। विंध्यवासिनी माँ की एक मूर्ति शेर पर विराजमान है। इस मूर्ति को काले रंग के पत्थर से तराशा गया है या ये स्वयंभू है? मुझे तो जहाँ तक लगता है स्वयंभू है। एक कथा के अनुसार महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद माँ विंध्यवासिनी ने विंध्याचल पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता के साथ विंध्याचल आए थे। उसका प्रमाण आज भी सीता कुंड है, जहाँ हर समय चाहे गर्मी का सीजन हो चाहे जाड़े का, हर समय पहाड़ से झरने के रूप में सीता कुंड में पानी गिरता रहता है, जहाँ की मान्यता है कि वहाँ सीता जी ने रसोई की थी। दूसरी बात, वहाँ राम गया है। राम गया शिवपुर से 1.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, विंध्याचल जो गंगा जी का प्रवाह है उसके किनारे वहाँ राम गया है। माना जाता है कि वहाँ प्रभु श्री राम ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया था और वहाँ शिवपुर में ही एक रामेश्वर महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने ही इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए तो विंध्याचल का इतिहास अति प्राचीन है और विंध्यवासिनी देवी के चमत्कार के बारे में किसी का मुंह क्या कहेगा? खुद सरस्वती नहीं कह सकती हैं, खुद ब्रह्मदेव नहीं कह सकते हैं। असंभव को संभव बना देना, ये है माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार। सारे धर्मराज के संविधान में बिना किसी बहुमत के अपनी चला देना, ये है माँ विंध्यवासिनी के कृपा का प्रसाद। जो लोग माँ विंध्यवासिनी का श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं, विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहाँ पीढ़ी छुए सात पीढ़ी तरत हैं। आप अगर पितर दोष से बहुत दुखी हैं
और आपने गया श्राद्ध भी कर लिया, त्रिपिंडी भी कर लिया, नारायण बलि भी कर लिया, लेकिन पितर मुक्त नहीं हो रहे हैं। एक बार विंध्याचल जाइए और माता की पहली सीढ़ी पर, मंदिर के चढ़ने के पहले, पूरा दाहिना हाथ रख करके सीढ़ी पर और उसे अपने माथे पर लगाइए, दो बार एक क्रिया करिए, अगर आपके सारे पितर न तर जाएं तो बताइए। तो विंध्याचल अपने आप में बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य स्थान है। औसनस पुराण में लिखा हुआ है, विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, पूरे ब्रह्मांड में विंध्याचल जैसा कोई स्थान नहीं है। ये औसनस पुराण में लिखा हुआ है, विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, पूरे ब्रह्मांड गोलक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो विंध्याचल की बराबरी करने वाला हो। अब वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको एक बात बता रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो एक IST रेखा होती है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे सूर्योदय अगर 5:13 पर विंध्याचल में होगा तो दिल्ली में 5:37 पर सुबह होगा, 24 मिनट बाद होगा। तो ये जो घड़ियाँ मिलाई जाती हैं, ये घड़ियाँ माँ विंध्यवासिनी के गर्भगृह के ठीक नीचे से वो रेखा गुजरती है जहाँ से समय का संशोधन होता है। आप अमरावती चौराहे से जरा सा पश्चिम बढ़ेंगे 100 मीटर तो वहाँ आपको एक ज्योग्राफी वालों का, भूगोल वालों का लगाया हुआ बोर्ड मिलेगा जहाँ लिखा होगा कि यहाँ से IST रेखा जो है इस रास्ते से गुजरती है और वो ठीक माँ विंध्यवासिनी के गर्भगृह से होकर के गुजरती है। अर्थात माँ समय की संचालिका है, माँ के अधीन समय है, काल उनके अधीन है, वो काल के अधीन नहीं है। इस बात से भी, आधुनिक मत से भी इसकी पुष्टि होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाऊं उससे पहले आज एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके जीवन में माँ विंध्यवासिनी आपका क्या अनुभव रहा है, आपके जीवन में माँ विंध्यवासिनी का क्या प्रभाव रहा है, आपका अनुभव क्या है इससे जुड़ा? उसके लिए मेरे पास इतना सामर्थ्यशाली मुंह नहीं है कि मैं बता पाऊँ। सच बात यह है कि मेरे माता पिताजी माँ विंध्यवासिनी के अनन्य भक्त थे। जब मैंने आँख खोला तो माँ विंध्यवासिनी की ही आराधना में पाया अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद पहले गांव में पंडित जी लोग आते थे तो मेरी माँ छुप छुपा के मुझे और मेरी जन्म कुंडली पंडितों को दिखाती थी। तो पंडित लोग कहते थे इसके किस्मत में संतान सुख नहीं लिखा हुआ है, संतान नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो माता जी उन लोगों को दक्षिणा उक्षिणा भी देती थी और हमको मना करती थी कि अपने पिताजी से मत बताना। मैं भी उस समय 11-12 साल का हो गया था। ऐसे क्रम चलता रहा, ये सब बातें मैं सुनता रहा। 14-15 साल की उम्र से ही पिताजी ने कहा कि यार तुम्हें बनना तो पंडित ही है, तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ है, तो तुम क्यों पढ़ाई में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पंडिताई करो। तो मैं उधर मुड़ गया, पंडिताई के रास्ते पे मुड़ गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। फिर शादी हुई, एक पुत्र हुआ, 6वें दिन उसका स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद में एक पुत्री हुई, पुत्री भी 9 महीने की होकर के स्वर्ग सिधार गई। तो मुझे लगा कि ये तो मतलब कि बड़ा अजब गजब हो गया और ये लगता है जो पंडित जी लोग कहते थे मेरी कुंडली में संतान योग नहीं है वो सही हो गया। तो पिताजी ने एक दिन कहा कि अरे तुम क्यों चिंता करते हो, माँ विंध्यवासिनी सारे संविधान को बदल देती हैं, तू नवरात्र का व्रत कर, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर, सब भगवती कर देंगी। और मैंने नवरात्र का व्रत 18 साल की अवस्था से शुरू किया। अच्छा। और नवरात्र के 9 दिन पाठ करना और 9 दिन आराधना करना, व्रत शुरू किया। 4 साल बीत गए, 4 साल के बाद 5वें साल एक कन्या का जन्म हुआ, पुनः एक पुत्र का जन्म हुआ, पुनः एक पुत्र का जन्म हुआ, पुनः एक पुत्र का जन्म हुआ, पुनः एक पुत्री का जन्म हुआ। इस तरह से 5 संतान की प्राप्ति हुई और सब ठीक हैं और सब खुशहाल हैं। ये माँ विंध्यवासिनी का एक चमत्कार रहा। दूसरा चमत्कार विंध्यवासिनी का मैंने देखा कि मेरी बड़ी वाली बेटी बीमार थी और उसको मैं एक डॉक्टर के यहाँ लेके गया।
डॉक्टर को मैंने दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसको तो मेनिनजाइटिस हो गया है, मस्तिष्क ज्वर हो गया है, इसको इलाहाबाद ले जाओ और चाइल्ड हॉस्पिटल में भर्ती करो। और मेरे पास कुल 260 रुपए थे, मैं विंध्याचल। कौन से सन की बात है? ये सन 1984 की बात है। अच्छा। हाँ, 260 रुपए थे, उसमें दवा नहीं हो सकती थी। तो मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैंने पत्नी से कहा चलो चलते हैं। कहाँ कहाँ चलते हैं? हमने कहा विंध्याचल, इलाहाबाद। तो हम वहाँ से जाके विंध्याचल के लिए बस पकड़े और विंध्याचल पहुँच गए। गंगा के किनारे जा कर के बेटी को गंगा में खूब स्नान करवा दिया और स्नान करवा कर ले जाकर विंध्याचल मंदिर में बेटी को एक तौलिया में लपेट के सुला दिया और बैठ कर वहीं मैं प्रार्थना करने लगा कि जब संतान देना ही नहीं है, जीवित रखना ही नहीं, तो देती क्यों हो? मैं मांगता कब हूँ तुमसे कि मुझे संतान दो? ये नाटक क्यों करती हो? बेटी दिया तो पैसा भी देना चाहिए था। अब आज मेरे पास पैसा नहीं तो दवाई कहाँ से कराऊँ? अब ये अगर यहीं मर गई तो यहीं छोड़ के चला जाऊँगा, और अगर बच गई तभी लेके जाऊँगा। अब तुम जानो, तुम्हारी माया जाने। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है, आराधना की है आपकी, लेकिन मांगा कुछ नहीं है आपसे। आधे घंटे के बाद बच्ची निकल करके खेलने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और उसको लेकर के आए, जब उस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा हाँ ये तो ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ, दूसरी वाली लड़की का क्या हुआ? हमने कहा ये वही है। डॉक्टर माथुर थे, बनारस के रहने वाले थे, वो प्रैक्टिस करते थे गोपीगंज में, हमारे गृहस्थान। जी जी। उन्होंने हमारी पत्नी से पूछा कि ये वही लड़की है? पत्नी ने कहा हाँ डॉक्टर साहब। वो उठे और पैरों में गिर पड़े, बोले महाराज आप धन्य हैं, आप क्या किए कि ये इतनी जल्दी ठीक हो गई? हमने कहा कुछ नहीं, गंगा में स्नान करवाया, माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में लेटा दिया। वो बहुत प्रभावित हुए और वो बच्ची आज भी, अब उसका बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, छोटा बेटा 11वें में है और सुरक्षित है, तंदुरुस्त है। तो माता अपने भक्तों को अगर पैसा ना हो तो उससे संभाल लेती हैं, अगर बल ना हो तो उससे संभाल लेती हैं, कोई विपत्ति आए तो उससे संभाल लेती हैं। और मेरे जीवन में तो इतना चमत्कार है कि अगर मैं बताने लगूँ तो महीनों कम पड़ जाएंगे, समझ रही हो? ये कुछ एक दो बातें मैंने आपको बताया है जिसे मतलब कि आप सुन करके सहज में ही समझ सकती हैं कि माता का कितना कृपा है, माता का कितना आशीर्वाद है। ये मतलब कि कहने की बात नहीं है। 47 साल की उम्र तक मैं पंडिताई करता था, सामान्य पंडित के रूप में। और गाँव देश की पंडिताई कैसी होती है आप भी जानती हो, गाँव में रही हो। कोई 10 रुपया देता है, कोई 20 रुपया देता है, कोई आटा चावल देता है, कोई आलू बांध देता है, इसी तरह की पंडिताई होती है गाँव की। जी। माता ने 47 साल की उम्र में बिना किसी परिचय के, बिना किसी कॉन्टेक्ट के चैनल दे दिया, न्यूज़ चैनल। लोग देखने लगे, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा, लोगों का प्रेम मिलने लगा, और आज 18 साल हो गए। ये माँ विंध्यवासिनी की कृपा नहीं तो मेरी क्या इसमें महानता है? मैं तो यही पहले भी था, जो आज हूँ यही मैं पहले भी था, यही ज्ञान मुझे पहले भी था। आज दुनिया बदल गई। आज तो लोग ये कहते हैं, बड़ी हंसी अपने ऊपर आती है जब एयरपोर्ट पर या मतलब कि ट्रेन में कोई मिलते हैं, कहते हैं आप पंडित जी हैं जो News24 पे आते हैं? हाँ। तो आपके साथ एक फ़ोटो कर लूँ? कर लो भैया। अब मेरी फ़ोटो करते हैं लोग, क्या हो गया, कौन सी खासियत आ गई मेरे अंदर, कौन से सुरखाब के पर जम गए, कौन सा मैं सेलिब्रिटी बन गया? तो ये सब माँ की कृपा नहीं तो क्या है? उन्हीं की कृपा है ना, और आपकी श्रद्धा। हम तो एक तृण हैं, हम तो एक तृण हैं, तृण समझती हूँ ना, जो जूते के नीचे रहता है, तिनका। माँ विंध्यवासिनी ने हवा बन करके अगर उसको उड़ा दिया और ले जाके वो किसी मंदिर के शिखर पर पहुँचा दिया, ये उनकी कृपा है, इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। बिल्कुल। और आज भी आशा, मैं सत्य आपसे कह रहा हूँ, विश्वास करिए, जब मैं कार्यक्रम में यहाँ बैठता हूँ ना, तो उस समय मैं एक मिनट के लिए शरणागति ले लेता हूँ कि हे विंध्यवासिनी माता, अब मैं चुप होने जा रहा हूँ, अब आप देख लीजिए प्रोग्राम को, अब आपको देखना है, मुझे नहीं देखना है। क्योंकि मेरी बुद्धि नहीं कि पूरे भारतवर्ष के सामने मैं अपना कोई विचार प्रकट कर सकूँ। अब आप ही देखिए, आप ही जवाब दीजिए, आप ही सवाल सुनिए, आप ही सब कुछ करिए। अब वो करती हैं, बड़े आराम से करती हैं। कभी मुझे आज तक किसी प्रश्न से दिक्कत नहीं महसूस हुई, हर चीज़ का जवाब जैसे वो दिमाग में लाकर दे देती हैं, हाँ यही जवाब दे दो, हाँ यही कह दो। बिल्कुल। और माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मुझे ये गर्व भी है इस बात का कि मीडिया इंडस्ट्री का, इस मीडिया इंडस्ट्री का नंबर 1 जो धार्मिक शो है वो कालचक्र है।
तो ये आप लोगों के प्रेम से और माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है, और इसलिए ये प्यार कालचक्र के साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि आपके जीवन की समस्याएं जो हैं उसको जितना ज़्यादा हम पंडित जी के माध्यम से कम कर पाएं। और अब क्योंकि पंडित जी आपने अपने जीवन के रहस्य तो बता दिए कुछ, लेकिन माँ विंध्यवासिनी और विंध्याचल पर्वत जो है उससे जुड़े भी तो कुछ रहस्य होंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आज वो अरे बिल्कुल 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 आप समझ लो कि सिर्फ विंध्याचल में ही माँ सत रज और तम तीनों गुणों के साथ विराजमान है। विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का काफी महत्व है। त्रिकोण का मतलब समझती हूँ ना, त्रिभुज, त्रिभुजाकार। तो जहाँ माँ विंध्यवासिनी हैं वहाँ से दक्षिण पश्चिम के कोने पर 4 किलोमीटर की दूरी पर काली खोह मंदिर है, जहाँ महाकाली हैं, और वहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की दिशा में माँ अष्टभुजा हैं जो सरस्वती स्वरूप हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से सीधा विंध्याचल, ये एक त्रिकोण बन जाता है। अच्छा। इसको त्रिकोण परिक्रमा कहते हैं। ये पूरी परिक्रमा लगभग 9 से 10 किलोमीटर की है जी। कहते हैं कि कोई इसकी 100 परिक्रमा आज तक रेगुलर नहीं कर पाता है। अगर 100 परिक्रमा कोई कर ले तो माता उसे साक्षात दर्शन दे देती हैं। 100 परिक्रमा के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा व्यवधान बनेगा, शारीरिक कष्ट, बीमारी, कुछ न कुछ ऐसा बनेगा कि आप 100 की संख्या पूर्ण लगातार नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत बार प्रयास किया, सबसे ज़्यादा अगर मैंने लगातार किया है तो 41 परिक्रमा मैंने किया है। अच्छा। 100 की परिक्रमा करने का बहुत बार प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो ये 100 परिक्रमा अनवरत हो पाएंगे? अनवरत नहीं, नित्य एक रोज बार। एक अच्छा, रोज वो एक भी नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है। वो किसी दिन बीमार कर देंगी, किसी दिन अस्वस्थ कर देंगी, किसी दिन मानसून इतना खराब कर देंगी कि आप घर से नहीं निकल पाओगे। ये सारी स्थितियां वहां होती हैं, क्योंकि 100 परिक्रमा पर तो माँ स्वयं साक्षात दर्शन देती हैं, स्वयं उस व्यक्ति के साथ हो जाती हैं। विंध्याचल की त्रिकोण परिक्रमा आशा जी, अगर एक बार भी श्रद्धा से कोई व्यक्ति कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरे हृदय का रोम रोम कह रहा है, मुझे रोमांच हो रहा है कि उसके सारे रोग शोक जल करके नष्ट हो जाते हैं। उसका कितना भी बुरा प्रारब्ध हो, सारा प्रारब्ध जल करके राख हो जाता है। और जिस भी मनोकामना के साथ त्रिकोण परिक्रमा किया जाए और मंत्र राज का जप करते हुए, मंत्र राज क्या है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और इसमें जोड़ना क्या है, पहले ओम जोड़ना है बाद में नमः जोड़ना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये भगवान कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा का मंत्र है, इसे देवी भागवत में मंत्र राज के नाम से संबोधित किया गया है। मंत्रों का ये राजा है, और इसमें जो 9 अक्षर हैं शरीर के 9 चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। वैसे 7 चक्रों की मान्यता है लेकिन शक्ति के उपासक 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र का मतलब हुआ कि एक लल्ला चक्र और गुरु चक्र बढ़ जाता है। लल्ला चक्र जो है जिह्वा मूल में होता है, गुरु चक्र जो है तालु मूल में होता है, और बाकी 7 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र हैं। 2 चक्र बढ़ते हैं, इसीलिए इस मंत्र में इसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। ये 9 अक्षरों का मंत्र है, इन 9 अक्षरों का न्यास इन 9 चक्रों पर किया जाता है, तब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। और जब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है तो मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान को एकदम यूं देखने के सामर्थ्यवान हो जाता है, और व्यक्ति साइज अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये मतलब कि उपासना का क्रम है, ये गूढ़ रहस्य है, ये गूढ़ रहस्य है। त्रिपुर सुंदरी की जो लोग साधना करते हैं वो लोग इसी कुंडलनी शक्ति का साधना करते हैं, और इन्हीं चक्रों को जागृत करने का काम त्रिपुर सुंदरी की साधना में किया जाता है। किसी अन्य पीठ में ऐसी त्रिकोण यात्रा का विधान बिल्कुल नहीं है। परिक्रमा का विधान होगा लेकिन त्रिकोण यात्रा का विधान पूरे देश में कहीं नहीं है। यहाँ जगदम्बा अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में त्रिकोण का निर्माण करती हैं,
जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया की देवियां हैं। ये त्रिकोण परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। माँ लक्ष्मी के रूप में माँ विंध्यवासिनी, माँ महाकाली के रूप में काली खोह में स्थित माँ काली और माँ सरस्वती के रूप में विंध्याचल पर्वत पर गुफा के अंदर अष्टभुजा देवी स्थित है। इन तीन देवियों का एक साथ में दर्शन पूजन करने से, नंगे पैर परिक्रमा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। और जो लोग परिक्रमा करते हुए भैरव कुंड का जल ग्रहण करते हैं, परिक्रमा मार्ग में ही भैरव कुंड का जल है, भैरव कुंड का जल ग्रहण करते हैं, मच्छिंद्रा कुंड का जल ग्रहण करते हैं, वो चाहे जितना चर्म रोग से ग्रसित लोग हों, लेकिन अगर 9 दिनों तक लगातार परिक्रमा करके और मच्छिंद्रा कुंड या भैरव कुंड के जल का सेवन करें तो उन्हें चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। कैसा भी चर्म रोग हो उससे राहत मिलना शुरू हो जाती है। और ये जल आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतने विशाल पहाड़ के अंदर से ये जल आ रहा है और गर्मी के दिनों में भी इस जल का प्रवाह बंद नहीं होता। कहाँ से ये जल आ रहा है आज तक किसी को पता नहीं, और इसका जल प्रवाह कभी बंद नहीं होता है। तो इसके बाद परिक्रमा करते हुए शिवपुर रामेश्वर महादेव को देखते हुए, संकटा माता का दर्शन करते हुए पुनः विंध्याचल मंदिर पर जाया जाता है और वहाँ मतलब कि सीढ़ियों को प्रणाम करके पुनः अपने आवास पर आकर के भक्त विश्राम करते हैं। तो ये विंध्याचल का महात्म्य जी पंडित जी। और नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना और तपस्या करने से हमें कौन कौन से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं नवरात्र में? पंडित जी ने अभी बताया था, आपके पिताजी ने जब कहा कि नवरात्र का व्रत शुरू कर दीजिए वहाँ पर, तो अगर नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना विधिवत करते हैं पंडित जी, क्या फल प्राप्त? विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है, मैंने कोल्हापुर भी देखा है, मैंने वैष्णो देवी देखा है, मैंने देवियों के कई सिद्ध पीठों को देखा है। ललिताम्बिका का सिद्ध पीठ नैमिषारण्य में है, वहाँ भी मैंने देखा है। इलाहाबाद में भी ललिताम्बिका का सिद्ध पीठ है, वहाँ भी देखा है। केवल विंध्याचल एक ऐसा सिद्ध पीठ है जहाँ दिन में कम से कम 18 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता ही रहता है। वहाँ 10-20-25 ब्राह्मण ऐसे हैं जो सुबह सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान संध्या गायत्री करके आ जाते हैं और पूरे दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते रहते हैं। अगर बीच में कोई यजमान आ गया और वो अपने नाम से पाठ कराना चाहता है तो उसका संकल्प लेकर के पाठ कर देते हैं, और अगर कोई यजमान नहीं आया तो अपना ही पाठ करते रहते हैं। माँ सभी के जीविका का प्रबंध करती है। कहीं नहीं मैंने देखा कि दुर्गा सप्तशती का 365 दिन अनवरत पाठ होता रहे, ये केवल विंध्यवासिनी में होता है। और विंध्यवासिनी माता का जो गर्भगृह है उसके पश्चिम तरफ एक विशाल हवन कुंड पहले हुआ करता था, जहाँ 12 महीने 24 घंटे हवन की व्यवस्था रहती है और हर समय उसमें हवन होता रहता है। और माँ विंध्यवासिनी के ठीक गर्भगृह से पूर्व 1 किलोमीटर पर थाना कोतवाली विंध्याचल है, उसके ठीक सामने बटुक भैरव का मंदिर है। और यह एक ऐसा इकलौता मंदिर है पूरे भारत में जहाँ भैरव के साथ भैरवी रहती है, कहीं भैरव के साथ भैरवी नहीं है, केवल विंध्याचल एक इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ भैरव के साथ भैरवी रहती है। और ये बटुक भैरव हर समय 12 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। जब कोई दर्शक माता के सफल दर्शन की कामना करता है तो उसे पहले जा कर के बटुक भैरव से आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं माता के दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रभु अनुमति प्रदान करें। वो जब अनुमति प्रदान करें तो जाके माँ विंध्यवासिनी का गंगा स्नान करके दर्शन करना चाहिए, और फिर दर्शन के बाद आपको फिर भैरव जी के पास जा करके जो भी आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं वो प्रसाद माला फूल चढ़ा करके फिर आपको अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। अच्छा, तो जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक माँ विंध्यवासिनी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली, लोगों का कल्याण करने वाली, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करने वाली, मधु और कैटब नामक राक्षसों का संहार करने वाली, भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भी व्यक्ति माँ विंध्यवासिनी की तपस्या, पूजा या अर्चना करता है
उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के बारे में। इस शक्तिपीठ की अलग अलग संख्या में परिक्रमा करने से हमें कौन कौन से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं? पंडित जी, 100 तो आपने बता ही दी, 100 परिक्रमा की महिमा क्या है, अलग अलग लेकिन होता होगा कि इतनी परिक्रमा करने से क्या लाभ, उससे ज़्यादा से क्या लाभ, कितनी परिक्रमाओं का नियम है, सबसे शुभ संख्या क्या है? देखो, अगर श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत करते हुए नंगे पैर नवार मंत्र का अनवरत जप करते हुए रुद्राक्ष की माला पर और रास्ते में न बोलते हुए न कुछ खाते हुए अगर आप एक भी परिक्रमा कर लें तो आपका असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हो सकता है, पूरी श्रद्धा के साथ। और चाहे किसी की कुंडली में कितना ही ज्यादा संतान बाधक योग हो, चाहे सर्वसापा सुच्छ योग हो, चाहे पितृसापा सुच्छ योग हो, चाहे ब्रह्मसापा सुच्छ योग हो, चाहे मातृसापा सुच्छ योग हो, चाहे मातुल सापा सुच्छ योग हो, किसी 16 प्रकार के जो श्राप हैं संतान के लिए, उनमें से कोई योग हो, अगर आप 9 दिन लगातार विंध्यवासिनी में रुक करके और 9 दिन की त्रिकोण परिक्रमा कर लें इस मंत्र का जप करते हुए, तो मुझे पूरा विश्वास है, अगर मेडिकल साइंस ने एकदम हाथ उठा दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी आप विश्वास करिए, चमत्कार होगा। एक चमत्कार तुम्हें बताता हूँ। मिर्जापुर में एक जगह है इमाम बाड़ा, मिर्जापुर में जब प्रवेश करिए तो वहाँ इमाम बाड़ा है, वहाँ एक मिठाई की दुकान चलाते हैं ओम प्रकाश जायसवाल जी। उनका एक 19 साल का बेटा था, वो बीमार हुआ और 2 दिन की बीमारी में बड़ा बढ़िया क्रिकेटर था और वो मर गया जी। उनको किसी ने बताया कि विंध्याचल में एक पंडित जी रहते हैं, सुरेश पांडे नाम है, अगर वो चाहें तो तुम्हें पुत्र पैदा हो सकता है। तो वो पति पत्नी आकर के हमारे यहाँ बैठने लगे और कहते थे कि महाराज आप कह देंगे तो मुझे पुत्र होगा। अरे हमने कहा पागल हो गए हो, तुम लोगों की अवस्था इतनी हो गई है, तुम्हारी पत्नी की अवस्था इतनी हो गई है, मेरे कहने से पुत्र हो जाएगा? कितनी उम्र रही होगी? अरे महिला की उम्र 47-48 साल थी और पति की उम्र 54-55 साल थी। हमने कहा ऐसा कुछ होता नहीं है, ये किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है, आप लोग जाइए। लेकिन वो लोग मानते नहीं थे, सप्ताह में 2-3 दिन आकर और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहते थे, रोते थे, फिर चले जाते थे। और मैं इसलिए नहीं कहता था कि ये बात कैसे संभव है, जब स्त्री का रजोदोष बंद हो, रजस्वला होना बंद हो गया है, अब संतान कैसे होगी? एक साल बाद 2004 में माता ने मुझे सौभाग्य दिया एक सहस्र चंडी यज्ञ का आयोजन करने का। सहस्र चंडी यज्ञ का आयोजन हुआ, मेरे जीवन का पहला यज्ञ था। अच्छा। 2004 में। अब उस यज्ञ में श्रद्धालु दर्शनार्थी तो आए ही थे, लेकिन मेरी माँ भी आई थी और यज्ञ देखने के लिए मेरे पिताजी भी आए थे। तो यज्ञ में मेरी माताजी आकर एक जगह बैठी थी, उस महिला को पता चला कि गुरुजी की माँ आई है और वो जाकर मेरी माँ का पैर पकड़ करके रोने लगी कि भैया माताजी अगर गुरुजी कह दें तो मुझे बच्चा हो जाएगा, मेरा बच्चा जो मरा है वो वापस आ जाएगा, गुरुजी के पास आ रही हूँ इतने दिन से। कौन क्या कह रहे हैं? कहने वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं। कहने अच्छा बुलाओ। तो एक पंडित को भेज करके माताजी ने तुरंत मुझे बुलवाया। मेरी माताजी बहुत सिंहनी थी, समझ लो। बुलवाया मैं, तुम इसको क्यों नहीं कह रहे हो कि बेटा हो जाए? हमने कहा अरे माँ मेरे कहने से कैसे हो जाएगा बेटा? कहने हो जाएगा तुम्हारे कहने से, जब ये कह रहे तुम्हारे कहने से हो जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे कहने से, तुम कहो। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया कि कहीं माँ विंध्यवासिनी ही इनके अंदर से आकर के न बोल रही हूँ, अब इस आज्ञा का उल्लंघन करना तो उचित नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गया माता की जहाँ मूर्ति स्थापित थी वहाँ माता की चौकी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। माँ अपनी माया तुम जानो, तुम क्या कहलवा रही हो माता से ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका संकेत है, इसलिए मैं यहाँ से फल लेकर जाकर पति पत्नी को प्रदान कर रहा हूँ। अब आप जानिएगा मेरी कोई औकात नहीं, मेरी तरफ से हार है, आप देख लीजिएगा। ले जाकर मैंने दोनों को एक एक सेब दे दिया। हमने कहा जाओ खाओ, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी।
विश्वास करो उस दिन के बाद 9 महीने 15 दिन के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो लड़का यहीं दिल्ली में इस समय अपनी तैयारी कर रहा है। ये घटना 2004 में मतलब कि फरवरी महीने की है। कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, ये मतलब कि माँ का चमत्कार स्पष्ट मैंने देखा है। और जब भी विंध्याचल में जाता हूँ वो लड़का अपने माता पिता के साथ मुझसे मिलने जरूर आता है। ये साक्षात चमत्कार हमने विंध्यवासिनी का देखा है। हाँ, और जिन तभी लोगों को पंडित जी कहती हूं और जिन लोगों को शंका हो ना, नाम भी बताया मैंने, ओम प्रकाश जायसवाल, इमाम बाड़ा मिर्जापुर, मिठाई की दुकान, ये भी बता दिया मैंने। तभी मैं कहती हूँ दर्शकों से, अगर किसी को इस बात में जरा सा वो लगता हो तो ओम प्रकाश जायसवाल से मतलब कि ये माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार है। इसमें मनुष्य का कोई चमत्कार नहीं है। तो 9 बार परिक्रमा करने वाला संतानहीन व्यक्ति उत्तम संतान को प्राप्त करता है। 1 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है। 108 बार त्रिकोण परिक्रमा करने से व्यक्ति माँ विंध्यवासिनी की कृपा से सराबोर हो जाता है। होगी कहाँ, कर्ज से अगर परेशान दुखी व्यक्ति निवारण मंत्र का जप करते हुए अगर त्रिकोण परिक्रमा 7 बार भी कर लें तो धीरे धीरे कर्ज से निजात मिलने लगती है। विंध्याचल पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी लक्ष्मी रूप में, रजोगुण काली रूप में, तमोगुणी अष्टभुजा रूप में, सरस्वती के रूप में वहाँ के लोगों पर कृपा बरसाती है। विंध्याचल के इस शक्तिपीठ में देवी के 3 रूपों के दर्शन मिलते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है भक्तों को। माँ विंध्यवासिनी धाम में माँ दुर्गा का एक ऐसा शक्तिपीठ है जो हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अगर आप घर के लिए परेशान हैं और आपका घर नहीं हो पा रहा है और आपकी जिंदगी बीत गई लेकिन घर का सपना आपके मन में है, तो मैं कहूँगा विंध्याचल जाइएगा तो जब काली खोह में काली माता का दर्शन करिएगा तो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाइएगा। लगभग 150 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहाड़ पे जाइएगा तो वहाँ आप देखेंगे तो 2-3 एकड़ में घर घर ही बने होंगे, हजारों घर बने होंगे पत्थर के। तो आप भी वहाँ पत्थरों को बीन करके इकट्ठा करके एक घर बनाइएगा। अगर आपको 1 मंजिला घर चाहिए तो 1 मंजिला बनाइएगा, 2 मंजिला चाहिए तो 2 मंजिला बनाइएगा, लेकिन एक काम करिएगा वहाँ किसी का घर उजाड़ कर अपना घर मत बनाइएगा। वहाँ से पत्थरों को, छिटके हुए पत्थरों को उठाइएगा, उससे घर बनाइएगा। अगर आपने ये घर बनाना शुरू कर दिया और 5 नवरात्र में आपने घर बना दिया तो आपके सपनों का घर माँ जरूर कर देगी। ये मेरी मतलब कि जो है मेरे हृदय का रोम रोम कह रहा है कि निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने बहुत घर बनाया था मतलब कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर बहुत घर बनाया था और इसीलिए बहुत घर हो भी गया। मेरी माँ कहती थी तुम तो जहाँ जाते हो वहाँ घर बना देते हो। ये नहीं कि एक जगह घर रहे, पूरा परिवार एक जगह रहे, पूरा परिवार एक साथ रहे, यहाँ भी घर वहाँ भी घर वहाँ भी घर, पता नहीं कितना घर बना देता है। ठीक है, तो पुराणों में विंध्याचल पर्वत जो है वो अगस्त ऋषि, देखो ऐसा है कि अभी हम विंध्याचल, ये बता दीजिए ना आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि अगस्त ऋषि, माँ गंगा और माँ विंध्यवासिनी के बीच वो जो अभी आप शायद मुझे लगता है रोचक कथा रुक गया। ऐसा है ना बेटा, प्लीज बता दीजिए। ये एक बार विंध्याचल पर्वत इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य की रोशनी दक्षिण भारत में जाती ही नहीं थी। सूर्य की रोशनी दक्षिण भारत में जाती ही नहीं थी। देवता लोग परेशान हो गए तो देवताओं ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की और अगस्त ऋषि जिनको कुंभज ऋषि भी कहा जाता है जी। उनके शिष्य जो है विंध्याचल पर्वत थे और अगस्त ऋषि गंगा के उस पार उत्तर तरफ से विंध्याचल पर्वत को संदेश दिए कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा। तो जब वो आए गंगा के पार उतरे तो विंध्याचल पर्वत ने साष्टांग गंगा जी के किनारे अपना सर रख करके प्रणाम किया और उसके सर पर माँ विंध्यवासिनी विराजमान रहती थी, इसीलिए विंध्याचल पर्वत का संरक्षिका इनको माना जाता है। तो जब उसने सर ऐसे गिराया विंध्याचल पर्वत ने गंगा जी के किनारे तो उसके माँ पर, उसके माथे पर, उसके सर पर, मुकुट पर स्थित माँ विंध्यवासिनी वहाँ आ गई गंगा जी के किनारे। अच्छा, ठीक है। और तब अगस्त ऋषि ने कहा कि हे वत्स तुम ऐसे ही रहना जब तक मैं वापस न लौटूँ और अगस्त ऋषि दक्षिण को चले गए और फिर अगस्त ऋषि उस रास्ते से कभी वापस
नहीं आए, इसलिए विंध्याचल लेटा हुआ है। विंध्याचल माँ गंगा के सामने लेटा हुआ आज भी है। आज वहाँ 2 फीट की खुदाई करने पर ही पहाड़ मिलने लगते हैं। 2 फीट 3 फीट की खुदाई करिए, पूरे पहाड़ मिलेंगे। आप वहाँ 8 फीट की नींव नहीं डाल सकते। 2 फीट के बाद पत्थर मिल जाएगा, वहीं से आपको अपना पिलर खड़ा करना पड़ेगा अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो। और उन्हीं के ठीक मस्तक पर माँ विंध्यवासिनी रहने के कारण गंगा जी के ठीक किनारे माँ विंध्यवासिनी का मंदिर हो गया। समझ रही हैं? जी, जी। हाँ, तो मैंने ऐसा सुना है कि माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के पहले अगर मतलब कि जा करके हम ध्यान निष्ठ हो करके माता के चरणों में मन लगाएं तो सब हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा पंडित जी, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले आज्ञा लेना भी जरूरी है, अभी आपने बताया था ना भैरव जी। हाँ। तो अगर ये सच है तो वो भैरव भैरव ही है या किन्हीं और देवता की भी आज्ञा, वो जो नियम है ना जरा वो बता दीजिए। ऐसा है, वो सिर्फ भैरव और भैरवी ही है। अच्छा। विंध्याचल कोतवाली के ठीक सामने एक छोटा सा भव्य मंदिर है जो भैरव जी का मंदिर है। अच्छा। और उनके साथ में पश्चिम तरफ एक भैरवी का भी चित्र है। भारत में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ भैरव के साथ भैरवी रहती हैं। माँ विंध्यवासिनी के प्रताप से उनकी सीढ़ियों का स्पर्श करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ध्यान से सुनिए सब लोग। और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के पहले वर्तमान में विंध्याचल कोतवाली के सामने बटुक भैरव का मंदिर है। यही एक ऐसा मंदिर भारत में है जहाँ भैरव के साथ भैरवी भी रहती है। पहले भैरव से माँ के दर्शन के लिए आज्ञा लेनी चाहिए। माँ के दर्शन पूजन के बाद भैरव मंदिर जाकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और माँ का दर्शन हुआ इसके बाद धन्यवाद देना चाहिए। बटुक भैरव के दर्शन पूजन के बिना माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन अधूरा है। जैसे प्रधानमंत्री से आपको मिलना है और उनके सिक्योरिटी को आप धक्का मार करके और आप प्रधानमंत्री से मिलने जाइए तो आपका कैसे काम बनेगा सोच लीजिए। उसी तरह से भैरव जी जो है माँ विंध्यवासिनी के सिक्योरिटी के आखिरी गार्ड हैं। अगर इनको अवॉइड करके आप जा करके माँ विंध्यवासिनी से डायरेक्ट संबंध स्थापित करना चाहते हैं, पता नहीं आपकी अर्जी स्वीकार भी होगी कि नहीं स्वीकार होगी। मुझे तो नहीं लगता कि स्वीकार होगी। हाँ, एक भैरव और हैं बटुक भैरव, वो माँ के गर्भगृह से पश्चिम 30 फीट की दूरी पर ही हैं। उनका मुंह उत्तर तरफ है, वो भी हैं। लेकिन आपको कम से कम भैरव की अनुमति लेकर के ही माता के चरणों का दर्शन करना चाहिए। वहाँ जा कर के देवी भागवत का पाठ करने से देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और जो लोग भैरव मंदिर के आसपास बैठ करके नवरात्र में संपूर्ण देवी भागवत का पाठ कर लेते हैं उनकी तो जय जय हो जाती है। उनके जीवन में तो कभी ऋण रोग दरिद्रता रहती ही नहीं है। उनके जिह्वा पर तो सरस्वती विराजमान हो जाती हैं। अगर संपूर्ण देवी भागवत का पारायण वहाँ बटुक भैरव मंदिर के परिसर में बैठ कर लिया जाए तो कुछ पूछना ही नहीं है, जीवन धन्य हो जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप कहते हैं नवरात्र में भी, जो हम नवरात्र पूजा की भी बात कर रहे थे, तो आरती बिना वो पूजा संपन्न नहीं होती, आपने नियम भी बताए थे। माँ विंध्यवासिनी की भी पूजा का वैसा ही आरती उतारने का बहुत महत्व होगा। बहुत महत्व, उसके बिना भी पूर्ण नहीं होती होगी। 4 बार माता की जो है श्रृंगार आरती होती है। भारत में किसी मंदिर में 4 श्रृंगार आरती नहीं होती है। एक के बाद एक नहीं, एक होती है 5 बजे सुबह। अच्छा। 4 बजे से 5 बजे सुबह इसको कहते हैं मंगला आरती। अच्छा। कहावत है कि जो देखे मंगला वो न रहे कंगला। चाहे जितना भी गरीबी की मार से मर रहा हो आदमी, लेकिन अगर 4 बजे भोर में गंगा स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त हो, गंगा स्नान करके और माँ की मंगला आरती में सम्मिलित हो जाए तो चाहे जितना बड़ा ऋण रोग दरिद्रता से ग्रसित होगा, चाहे जितना ज़्यादा ग्रहों के उल्टे चाल उसके जीवन में होंगे, सब ठीक हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। कितने बजे होती है पंडित जी सुबह? 4 से 5 बजे के बीच। जो देखे मंगला वो न रहे कंगला, ये एकदम कहावत चरितार्थ है। दूसरी आरती माता की होती है 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में। इस आरती को देखने का भी अपना बहुत महत्व है। इसके बाद तीसरी आरती होती है माता की 7:30 बजे शाम से 8 बजे तक। ये भी आरती देखने का माता का
बहुत महात्म है। और तीसरी आरती जो माता की, चौथी आरती जो माता की होती है, रात 9:30 से 10:30 बजे के बीच होती है। कितने से पंडित जी? 9:30 से 10:30 बजे के बीच। इस आरती को जब आप देखेंगी तो माता का पूरा स्वरूप बदला हुआ आपको नजर आएगा। वो लाल लाल आंखें, वो मतलब कि जो है भ्रिकुटी तनी हुई, और वो तेजस्वी मुद्रा में माता होती हैं उस श्रृंगार से, कैसे लगता है कि जैसे पूरे संसार को एक मिनट में रौंद डालेंगी। और 12 बजे रात तक दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलता है, 12 बजे के बाद माता के शयन की व्यवस्था कर दी जाती है। और नवरात्रों में हर समय 24 घंटे दर्शन पूजन की व्यवस्था रहती है। नवरात्र में रात्रि में मंदिर बंद नहीं होता है, हाँ केवल श्रृंगार के लिए वही 9:30 से 10:30 दर्शकों के लिए बंद होता है। पूरी रात मंदिर, पूरी रात मंदिर खुली रहती है और पूरी रात दर्शन होता है। एक चीज पंडित जी, अब ब्रेक पर जाने से पहले मैं कहना चाहूंगी जो पहले छूट गया था, कि देखिए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, साक्षात प्रमाण आपके सामने बैठे हुए पंडित सुरेश पांडे जी, अपने जीवन में भी जो चमत्कार रहे हैं और क्या चमत्कार माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में हो सकते हैं, पंडित जी ने आपको बताया है। बस श्रद्धा भाव की जरूरत है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर पंडित जी विंध्याचल शक्तिपीठ के दर्शन करने, वहां जाकर पूजा करने का आपको महत्व बता रहे हैं। अब चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं विंध्याचल शक्तिपीठ के त्रिकोण के दर्शन और यात्रा करने का। एक बार फिर मैं जानना चाहती हूं पंडित जी आपसे, क्योंकि आपने बताया कई बार है, लेकिन उद्देश्य हेतु, खासकर संतान प्राप्ति हेतु, वो जो त्रिकोण की परिक्रमा और दर्शन, एक बार फिर इसका महत्व जरा हमें बताइए। देखो पहले त्रिकोण परिक्रमा करनी कैसी चाहिए ये मैं सबको बता दूँ जी। आप जाइए माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर लीजिए। अगर दर्शन न करना अंदर से हो तो वहाँ खिड़की से भी माँ के मतलब कि जो है दर्शन होते हैं, वहाँ से दर्शन कर लीजिए। और वहाँ से सीधे गंगा जी जाइए, गंगा जल अपने ऊपर छिड़किए अगर पहले से गंगा स्नान नहीं किए हैं, और वहाँ से सीधा पूर्व दिशा में जाइए, 1 किलोमीटर पर भैरव जी का मंदिर मिल जाएगा। भैरव जी के मंदिर के सामने मंदिर के बाहर से ही एक कपूर जला करके और भैरव जी को प्रणाम करके नीचे उतर जाइए। नीचे एक बरतर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हनुमान जी के सामने एक कपूर जला दीजिए। फिर वहाँ से निकलिए, 4 किलोमीटर पर काली खोह है पश्चिम और दक्षिण दिशा में, वहाँ काली माता का मंदिर है। काली माता मंदिर में जा करके वहाँ एक कपूर जलाइए उचित स्थान देख करके, और माता का मतलब प्रणाम करके आगे निकलिए। आप चाहें तो मतलब कि जो है रूपवे बना हुआ है उससे पहाड़ पे चढ़ें, और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो सीढ़ियों से चढ़ जाइए, 150 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, पहाड़ पर पहुंच गए, पहाड़ से थोड़ा दूर 1 किलोमीटर पश्चिम जाएंगे तो वहाँ गेरुआ तालाब है जिसमें गेरू रंग का पानी होता है, और नारायण मंदिर है, वहाँ दर्शन करते हुए और फिर आप मतलब कि आगे उत्तर दिशा में जब बढ़ेंगे तो वहाँ अष्टभुजा मंदिर है, और वो अष्टभुजा मंदिर जो है गुफा के अंदर लगभग 20 फीट अंदर जाने के बाद वहाँ माँ अष्टभुजा का मंदिर है जिसमें लगभग थोड़ा सा झुक कर जाना पड़ता है। वहाँ दर्शन अगर मत करिए आप, केवल मंदिर के बाहर ही कपूर जला दीजिए तो आपकी त्रिकोण परिक्रमा मानी जाएगी। फिर वहाँ से नीचे उतरिए लगभग 40 सीढ़ी, फिर दाहिने हाथ मुड़ जाइए, वहाँ आप 100 मीटर पर जाएंगे तो भैरव कुंड है, भैरव कुंड पे जल पीजिए, और वहाँ मतलब कि जो है एक शिवालय है, उस शिवालय में इंद्र द्वारा स्थापित एक श्रीयंत्र है, पत्थर का श्रीयंत्र है, उस श्रीयंत्र का दर्शन कर लीजिए, उससे दरिद्रता मिट जाती है। अगर आपके पास फूल हो तो उस श्रीयंत्र पे फूल चढ़ा दीजिए, और फिर वहाँ से आप नीचे उतर करके शिवपुर वाली रोड पकड़ करके और रामेश्वरम मंदिर होते हुए फिर संकटा माई का दर्शन करते हुए उसी रोड पर फिर विंध्यवासिनी देवी के मंदिर पर पहुंचकर सीढ़ियों को प्रणाम करके अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लीजिए। ये है तरीका, इतनी जगह जाना चाहिए। तो विंध्याचल पर्वत स्वास्थ्य, वहाँ स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियाँ भी हैं विंध्याचल पर्वत पर। जो भी व्यक्ति त्रिकोण परिक्रमा करता है इन जड़ी बूटियों के संपर्क में आने से उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और शरीर में रोग कम होते हैं। जो लोग त्रिकोण यात्रा नहीं कर सकते हैं वो माँ के मंदिर में ही बैठकर दुर्गा पाठ करें, इससे भी त्रिकोण यात्रा का फल मिलता है। एक बात और जानते हैं, एक लघु त्रिकोण यात्रा होती है लेकिन ये संभव नहीं है, बहुत भीड़ होती है। माँ विंध्यवासिनी मंदिर से ठीक दक्षिण तरफ केवल 30 फीट की दूरी पर महाकाली का मंदिर है,
और उस मंदिर से ठीक 40 फीट की दूरी पर दक्षिण पश्चिम के कोने पर, उत्तर पश्चिम के कोने पर माँ सरस्वती का मंदिर है। इन तीन देवियों की अगर आप परिक्रमा कर लें तो ये लघु परिक्रमा मानी जाती है, लेकिन ये परिक्रमा एकाक ही 2 महीने में हो सकती है जब जिस समय वहाँ भीड़ नहीं रहती है, और नहीं तो इस तरह से बैरिकेटिंग किए होते हैं पुलिस वाले कि आप परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, लघु परिक्रमा तो नहीं कर पाते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। अब जो सवाल मैं आपसे आपके समक्ष रखने जा रही हूँ वो हर एक दर्शक के लिए बेहद ख़ास और महत्वपूर्ण होगा। जो लोग माँ विंध्यवासिनी के धाम जाने में सक्षम नहीं हैं, जो नहीं जा सकते किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहे चाहते हुए, वो नवरात्र में घर में बैठकर कैसे माँ विंध्यवासिनी की पूजा उपासना कर सकते हैं? पंडित जी, माँ को तो याद कर लेना भर आप कई बार कहते हैं, ये भाव बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जो नहीं जा सकते, देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे तीर्थे ना बैकुंठे नवा करश्चित बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्ये। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में हर समय निवास करती हूँ। इनका भक्त जहाँ भी होगा, इन्हें जहाँ से भी याद करेगा, वहीं ये साकार रूप में उसको जो है फल देंगी। माँ विंध्यवासिनी की पूजा हमेशा रात के समय की जाती है। पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनकर अपने घर के किसी शांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें, उसको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ विंध्यवासिनी की तस्वीर या यंत्र स्थापित करें। माँ की तस्वीर या यंत्र के सामने 7 गोल सुपारी रखें, धूप दीप जलाएं और माँ की पूजा करें। पूजा के बाद विंध्येश्वरी माला से माँ विंध्यवासिनी के मंत्रों का जप करें 11 दिनों तक, और ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे नमः। ध्यान दीजिएगा, ये नवारण मंत्र ही माता का मंत्र है। 11 दिनों तक लगातार नियमित पूजा आराधना करने के बाद हवन भी करना चाहिए, कुमारी कन्याओं का भी पूजन करना चाहिए और तर्पण मार्जन भी करना चाहिए। इससे आपको वही फल प्राप्त होगा जो वहाँ जाने का फल है। लेकिन एक बात जान लीजिए, विंध्याचल तपोभूमि है, भोग भूमि नहीं है। इसलिए विंध्याचल जब जाइएगा तो अगर रात नहीं रुकना है तो अपना जूता चप्पल गाड़ी में ही निकाल के उतरिएगा, क्योंकि विंध्याचल में जूता चप्पल पहन के नहीं चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो सांसारिक कर्म हो, वहाँ हर वो काम करना चाहिए जो तपस्या का कार्य हो, क्योंकि वो तपोभूमि है। वहाँ जिसने तपस्या किया वो बन गया और वहाँ जिसने भोग किया वो नष्ट हो गया। अवधूत भगवान कीनाराम की साधना स्थली रही है, देवराहा बाबा की साधना स्थली विंध्याचल रही है, आनंदमयी माता की साधना स्थली विंध्याचल रही है, विंध्याचल सब बड़े बड़े सिद्धों की साधना स्थली रही है। इस साधना स्थली से बड़े बड़े मतलब कि युग पुरुष पैदा हुए हैं। तो विंध्याचल तपोभूमि है, भोग भूमि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों को प्राप्त हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही कामना आज के इस खास कार्यक्रम में आपके लिए करते हैं। पंडित जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्र स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपायों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे पंडित जी को लेकर। तब तक पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।